वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट वन हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ आरओ री एग्ज़ाम के लिए, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी के कोई एग्ज़ाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, और आरओ आरओ री एग्ज़ाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहां पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ आरओ री एग्जाम और यूपी पीसीएस के लिए भी है, बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुल 15 प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के सॉल्व कर चुके हैं। आज 16 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को स्पष्ट किया गया था। सेकंड है सगौली की संधि एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद की गई थी। थर्ड है ब्रिटिश भारत में बर्मा का विलय 1885 में हुआ था। इनमें से कौन से कथन हैं दिए गए जो सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन है इन घटनाओं को वहाँ होने के क्रम में बढ़ते हुए व्यवस्थित कीजिए, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। पहला है पहला एंग्लो बर्मी युद्ध, बी है पहला एंग्लो अफगान युद्ध, सी है एंग्लो नेपाली युद्ध, डी है गंडमक की संधि, और ई है डूरंड समझौता। अब इनको आपको अरेंज करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी ए बी डी ई। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, बट मैं सबकी डेट बताती हूँ, इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध हुआ था 1824 से 1826 के बीच, ठीक है। ये जो पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1839 to 1842। फर्स्ट एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था 1814 से 1816 तक, ठीक है। गंडमक की संधि अब याद कर लीजिए, इसकी डेट क्या होगी, ये हुई 1879 को, और डूरंड समझौता ये हुआ था 1893 में। बस इसको अरेंज कर देंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 18th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वजीर अली खान अंग्रेजों की मदद से सितंबर 1797 में गद्दी पर आसीन हुए थे। सेकंड स्टेटमेंट है हालांकि जनवरी 1799 में उन्होंने एक ब्रिटिश निवासी जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर दी। थर्ड है आर्थर वेलेसली ने वजीर अली को प्रत्यर्पित करने के लिए जयपुर के राजा से अनुरोध किया। हम इसमें से किस इवेंट की बात कर रहे हैं? ऑप्शन ए गंजम और गुमसू में विद्रोह, बी है गोरखपुर बस्ती और बहराइच में सिविल विद्रोह, सी है अवध में नागरिक विद्रोह, और डी है पलामू में विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध में नागरिक विद्रोह, जो कि 1799 में हुई थी, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, सारे स्टेटमेंट उससे रिलेटेड हैं। 19वां प्रश्न देखिए, मद्रास की संधि 1769 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है यह मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर किया गया था। सेकंड है अंग्रेजों द्वारा हस्ताक्षर किए गए साम्राज्य के विनाश के लिए संधि की अनुमति थी। थर्ड इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किया। अभी जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है पूछा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा गलत है क्यों? क्योंकि मद्रास की संधि एक शांति समझौता थी और जिसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया, ना कि इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हैदर अली को लगा कि उसकी सहायता अंग्रेज करेंगे अगर किसी पड़ोसी से उनका युद्ध हो जाता या कोई पड़ोसी उन पर हमला करेगा, तो हैदर को लग गया इस युद्ध में कि अंग्रेजों ने उनकी सहायता नहीं की है। सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्लासी की लड़ाई के कारण नहीं थे?
ऑप्शन ए बंगाल के सिंहासन पर मेहरुनिसा के दावे के लिए ब्रिटिश समर्थन, बी है फोर्ट विलियम की किलेबंदी और किले की दीवारों पर बढ़ती बंदूकें, सी है पूरे बंगाल से कस्टम ड्यूटी का उन्मूलन जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए राजस्व की हानि हुई, डी है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1737 के शाही फरमान की गलत व्याख्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें जो ऑप्शन सी है ये लड़ाई के कारण नहीं थे, सिराजुद्दौला ने कस्टम ड्यूटी को समाप्त नहीं किया और इस तरह का कोई मुद्दा ही नहीं था। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से मेल खाता है, पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मद्रास की संधि हुई थी इससे रिलेटेड है इसके बाद ही समाप्त हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि सालबाई की संधि के बाद समाप्त हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि होती है और प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैपल की संधि से समाप्त हुआ। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है कौन सा कथन सही दिया गया, कौन सा पेयर मैच है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों के चारों करेक्टली मैच्ड है। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित कालानुक्रमिक व्यवस्था करें, जैसे पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, सेकंड है सहायक गठबंधन का सिद्धांत, थर्ड है लाहौर की संधि और फोर्थ है गुलामी का उन्मूलन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2143, क्योंकि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ 1829 में, सहायक गठबंधन का सिद्धांत 1798 से 1805 तक रहा और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो विलेजली द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है लाहौर की संधि, तो लाहौर की संधि आपको याद रखना होगा ये हुई 1846 में, और ये जो है गुलामी का उन्मूलन ये हुआ 1843 में। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में हुई थी, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला कथन है इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन महारानी के हाथों में चला गया। सेकंड स्टेटमेंट है इसने भारतीय लोगों को कानून और धर्म और सामाजिक प्रथाओं की स्वतंत्रता के समान और निष्पक्ष सुरक्षा का आश्वासन दिया। थर्ड है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने 1858 के अधिनियम को एक व्यवहारिक रूप दिया। फोर्थ इसने विचार किया कि मूल निवासियों के हितों को ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर प्राथमिकता दी जाए। तो नीचे दिए गए कोड को देख करके आपको सही उत्तर का चयन करना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 24th क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला है सेना में यूरोपीय लोगों का प्रतिशत कम हो गया था, सेकंड है सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन बनाने के लिए सिखों गोरखाओं जैसी कुछ जातियों को गैर मार्शल घोषित कर दिया गया था, इसमें से बताने कौन से कथन सही दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला कथन सही ना तो दूसरा। जैसा कि इसमें आप देखेंगे पहला कथन है यहाँ पर यूरोपीय लोगों का प्रतिशत बढ़ गया था ना कि कम हुआ था, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेना में विभिन्न समूहों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए कुछ सिखों गोरखाओं इनको मार्शल घोषित किया गया था, अन्य जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भाग लिया जैसे कि अवध बंगाल इन सब सैनिकों को गैर मार्शल घोषित किया गया था। 25th क्वेश्चन है निम्नलिखित युद्ध में से कौन 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरणा बन गया, पहला है फ्रांसीसी क्रांति, सेकेंड है पहला अफगान युद्ध, थर्ड है क्रीमियन युद्ध और फोर्थ है बोअर या फिर बोर्स युद्ध। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, इसमें पहला अफगान युद्ध और क्रीमियन युद्ध था। तो पहला अफगान युद्ध कब हुआ ये भी आप देख लीजिए, ये हुआ था 1838-42 और जो क्रीमियन युद्ध है ये कब हुआ 1854-1856। ठीक है, ब्रिटिश सेना को पहले अफगान युद्ध और उसके बाद क्रीमियन युद्ध इनमें बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा जिससे ब्रिटिश शासन के जेता में सामान्य विश्वास जो था वो चकनाचूर हो गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति कब हुई उसकी भी डेट याद कर लीजिए 1789-1799 और ये जो है बोअर्स या फिर बोर्स का युद्ध ये याद रखिए 1899-1902 तक रहा। 26th क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही ढंग से मिलान किया गया है, तो 1857 में जो स्थान थे जो विद्रोह के समय स्थान थे और उनसे कौन नेतृत्व कर रहा था उनसे मैच करना है। पहला है लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहेब, थर्ड है फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से जनरल बख्त खां और बरेली से खान बहादुर। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे के सारे सही दिए गए हैं।
27th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा कथन है जो रानी विक्टोरिया उद्घोषणा 1858 के संबंध में ऊपर दिए गए कथन में से सही है। पहला, 1857 के विद्रोह के सभी विद्रोहियों को एक सामान्य माफी दी गई। और सेकंड है, राज्य सचिव का अतिरिक्त पद सृजित किया गया। थर्ड, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। और फोर्थ है, हड़प नीति के सिद्धांत को छोड़ दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, और चौथा भी सही है, पहला इनकरेक्ट है। 28th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विद्रोही घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, आजमगढ़ घोषणा पत्र। ऑप्शन बी है लाहौर घोषणा। ऑप्शन सी दिल्ली उद्घोषणा। और ऑप्शन डी आगरा उद्घोषणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आजमगढ़ उद्घोषणा। यह उद्घोषणा या घोषणा पत्र 29 सितंबर 1857 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। लेखक मुगल सम्राट के पोते फिरोज शाह थे, जो लखनऊ और अवध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। 29th क्वेश्चन है, तत्वबोधनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा गलत है ये बताना है। पहला कथन है, इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत को व्यवस्थित रूप में अध्ययन को बढ़ावा दिया। सेकंड, इसने बुद्धिजीवियों के बीच तर्क संगत सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। थर्ड, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इनमें से कौन सा एक है जो इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा इनकरेक्ट है। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, 1839 में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, आत्मीय सभा का गठन। सेकंड, प्रार्थना समाज का गठन। थर्ड, तत्वबोधनी सभा का गठन। और फोर्थ, सत्य शोधक समाज की स्थापना। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन हुआ। कब हुआ तो याद कर लीजिए, ये हुआ 1814 में। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज का गठन, ये याद कर लीजिए, इसका गठन हुआ था 1867 में। थर्ड है, तत्वबोधनी सभा का गठन, यह भी हम लोगों ने पढ़ा, 1839। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी, ठीक है, ये ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1324। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।